साइलेंस क्या होती है और उसके बेनिफिट क्या है। दिन भर बोलते रहने से हम अपने शब्दों को बाहर बेकार में फेंक रहे होते हैं, जब सब हम अच्छे से समझते हैं। अनियंत्रित बोली व्यक्ति को कई तरह के संकटों में फंसाती है। कहते हैं एक चुप हजार सुख, मैं कहता हूं एक चुप करोड़ सुख। चुप्पी रहने से हमारे बहुत सारी मुसीबतों से हम बच जाते हैं, इसलिए सीमित ढंग से अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए जहां तक हो सके। मौन जो है आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में ऊंचा जाना है तो कुछ समय तक जीवन में मौन रखने का अभ्यास डालें। मौन के कारण आप जैसे बातचीत के द्वारा आप लोगों से कनेक्ट होते हो, वैसे मौन से आप अपने आप से कनेक्ट होते हो। तो जिसको अपना ही नहीं पता उसको लोगों का क्या पता होगा। अपनी न की तलाश बड़ी चूक ये हुई, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने खुदा को तलाश करने में इतना समय बिता दिया, अपने आप की तलाश नहीं की। लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर ये इमोशन क्यों उठते हैं, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह क्यों उठते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आता है, ये सब नहीं बता सकते। ये जरूर पता है कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है और फलाने व्यक्ति की किसके साथ किसका किसका चक्कर चल रहा है। लोग ये सब चीजें जानते हैं, अपने बारे में नहीं जानते। यहां जो हम बात कर रहे हैं अपने बारे में जानने की बात कर रहे हैं कि खुद की ज्ञान कैसी हो, इसके लिए मौन जरूरी है, शांति जरूरी है, चुप्पी जरूरी है। चुप होकर क्या करें, चुप से कैसे पहली बात बैठे कैसे। थोड़ा थोड़ा अगर आप ऑफिस में भी मौन का अभ्यास करेंगे तो आपको ऑफिस में भी अब प्रैक्टिस हो पाएगी, घर पे भी हो पाएगी। अब मैं आपको तरीका बताता हूं मौन रहने का, तरीका क्या है, हाउ टू बी साइलेंट, एक्चुअली साइलेंट। ये जो विचारों की भीड़ चल रही है, बस कुछ सेकंड के लिए आप इन विचारों को देखने का अभ्यास करें, सिर्फ देखें, जस्ट बी साइलेंट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। टेक अ डीप ब्रेथ एंड सी, अपनी श्वास को देखते रहें। एक तरीका है श्वास को देखना, लगातार श्वास के आने जाने को देखना, बट विदाउट एनी कमेंट, विदाउट एनी चेंज। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका, अगर आपको इमीडिएट मौन होना है तो कुंभक लगा लें, श्वास को कुछ समय के लिए पेट में रोक लें, श्वास को पेट में भरें, जितना ज्यादा हो सके पेट में भरना है, छाती में नहीं भरना, याद रखिएगा, पेट में भरें, पूरा पेट में अच्छा तक भर के पेट को फूलने दें और फिर श्वास को रोक लें एज लॉन्ग एज यू कैन। जिस दौरान आपने श्वास को रोका हुआ है उस दौरान आप देखें आपके अंदर विचार अपने आप कम हो जाएंगे, मन की जो बकबक चल रही थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, मन जो लगातार एक कोने से दूसरे कोने में बातचीत कर रहा था वो सब समाप्त होना शुरू हो जाएगा। टेक सम टाइम एंड डू इट। इसके अलावा आप कोई भस्त्रिका या कोई और प्राणायाम करके, थोड़ा फास्टर प्राणायाम करके आप साइलेंट हो सकते हैं। जैसे वन ऑफ द वे इज टू बिकम टू डू वेरी फास्ट ब्रीदिंग, वेरी रिग्रेस ब्रीदिंग, आप फास्ट ब्रीदिंग करें से जैसे आप हाइपरवेंटिलेशन के स्टेज में जाते हैं, अपने अंदर जबरदस्त ऑक्सीजन का फ्लो जाता है, अपने आप साइलेंट होने शुरू हो जाता है। तो दिस इज अनदर वे टू बिकम साइलेंट, टू बिकम मौन। तो ये बेहतरीन रास्ता है। कितना समय तक मौन रहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी भी देर मौन रह सकते हैं। एक तो बाहरी मौन हो गया चुप्पी, ऊपरी चुप्पी, और एक भीतरी चुप्पी कि अंदर से भी हम साइलेंट हो जाएं। अब उसके लिए थोड़ा सा प्रयास हमें करना पड़ेगा अंदर से साइलेंट होने के लिए। आपको अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में ठहराने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मन अधिकतर 45% ऑफ द टाइम पास्ट में रहता है, 40% ऑफ द टाइम फ्यूचर में रहता है, और केवल 15% टाइम वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में ठहराने की कोशिश करनी है। जैसे अगर मैं मौन बैठा हूं तो मैं किस पर ध्यान दूं, मैं अपनी श्वासों पर ध्यान दूं, सबसे इजी रास्ता है क्योंकि श्वास आ रही है जा रही है। अपनी इंद्रियों पर ध्यान दूं, मेरे पैरों में कोई सेंसेशन तो नहीं है जिसे विपश्यना कहा जाता है, मेरे हाथों में कोई सेंसेशन तो नहीं है, मेरे शरीर में मेरे चेहरे में कोई सेंसेशन है, अगर है तो मैं उसको ऑब्जर्व करता रहूं, जस्ट बिकम साइलेंट एंड ऑब्जर्व। ये एक तरीका है अपने आप को मौन में ठहराने का। क्या करें मौन में, जैसे मैंने कहा मौन करने का मतलब है कि आप अपने शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पर ध्यान रोटेट करते रहें, या किसी भी ऐसे अंग पर ध्यान लगाएं जो आपका सबसे साइलेंट पार्ट हो। जैसे हृदय धड़क रहा है, अपनी गति से धड़क रहा है, आप लगातार अपने हृदय पर ध्यान लगाएं, थोड़े टाइम में आप साइलेंट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि कितनी देर तक आप ध्यान देते रहेंगे, आप ध्यान देंगे हृदय धड़क रहा है, ये उसकी धड़कन कम है या ज़्यादा है, ऑब्जर्व करते रहेंगे, कुछ समय के बाद साइलेंट हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो ने आपको जरूर कुछ इंसाइट दी होगी आपके बारे में। उम्मीद करता हूँ
आप हमें मौन करेंगे और मौन के बारे में आप हमें जरूर रिप्लाई करेंगे। आपने मौन ट्राई किया क्या? आप मौन रह पाते हैं? कितने मिनट तक आप साइलेंट रह पाते हैं? जरूर जवाब दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।